हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और IRFC के बारे में। बट मेजरली अगर आप यहां पे देखोगे तो मेजरली जो डिस्कशन होने वाला है वो यस बैंक के थ्रू ही होने वाला है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल के आ रही है जिससे अगर आप यहां पे देख पाओगे तो बहुत ही सिनेरियो जो वर्स्ट और होता नजर आ रहा है। कुछ ऐसे डिफॉल्ट की न्यूज निकल के आई है जिसकी वजह से आप यहां पे देख पा रहे होगे एक और फिर चांसेस निकल के आएंगे कि रिकवरी हो या नहीं होगी, लेकिन यहां पर डिफॉल्ट एक बारी फिर से बहुत बड़ा हो गया है यस बैंक में। तो यहां पे हम पूरा ट्राई करने वाले हैं आगे का, इसमें क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है और यहां पे हम पूरा पता करेंगे कि आपको सच में इस शेयर से निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी कोई स्कोप हमें इससे दिखाई देता है। ये सारी चीजें हम वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आज के कारोबार के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, जो यस बैंक का शेयर प्राइस है आज फिर आपको यहाँ पे कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे दिन आपको देखने को मिल जाते हैं यस बैंक में कि आपको कोई भी मूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता है, चाहे वो अपसाइड हो या लो साइड हो, कोई भी मूवमेंट आपको इस पर्टिकुलर शेयर में नहीं दिखाई देता। अगर हम यहाँ पे बात करें 5 दिन में से 2-3 दिन तो ऐसे हो ही जाते हैं जिसमें आपको इसमें 0 मूवमेंट देखने को मिलता है, मतलब जो क्लोजिंग लास्ट डे की हुई थी वही क्लोजिंग आज भी हुई है। तो इतना ज्यादा स्लो मूवमेंट यस बैंक में सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। अब इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सच में अब यस बैंक में कुछ बचा है या फिर अब इसमें से चाहे लॉस या प्रॉफिट एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बाइंग एंड सेलिंग में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 13 रुपए से 15 रुपए के बीच में ही घूमता रहता है, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे 80-90% 13 रुपए के बीच में ही ये ट्रेड करे जा रहा है। इसमें जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है अचानक से तो फिर इतनी ज्यादा सेलिंग हो जाती है कि ये शेयर फिर से अपने 13 रुपए के लेवल पे वापस आ जाता है। यहाँ पे आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख पा रहे होंगे, कोई इतना बड़ा आपको कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रही है इसके कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो कि क्या सच में अब आपको इसमें से एग्जिट करना है या फिर इसमें बने रहना है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है बड़े डिफॉल्ट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है 712 करोड़ रुपए के फ्रॉड की, मतलब डिफॉल्ट की। यस बैंक ने यहाँ पे केस फाइल किया है नीतेश एस्टेट लिमिटेड के अगेंस्ट। इन्होंने यहाँ पे जो केस में कंप्लेन दायर की है वो ये है कि जो नीतेश एस्टेट लिमिटेड है इन्होंने यस बैंक के 712 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। ऑलरेडी आपको पता ही है कि यस बैंक बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट में आ चुकी है, मतलब बहुत सारे इसमें जो भी कंपनीज थी या फिर आप देखोगे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े घफले करे थे। यस बैंक की हालत उसी की वजह से आप देख पा रहे होगे बहुत बिगड़ चुकी है। रिकवरी की न्यूज़ डेली निकल के आ रही थी लेकिन रिकवरी हुई अभी तक कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नया केस आपको देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो एक और डिफॉल्ट केस यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख जा रहा है। यहाँ पे जो यस बैंक ने केस फाइल किया है वो बेंगलोर में किया हुआ है, आप यहाँ पे इजीली देख भी पा रहे होगे। 712 करोड़ का यहाँ पे गवर्न हो गया है या फिर हम इसको डिफॉल्ट बोल सकते हैं। ये एक नई ट्रिक भी समझ सकते हो आप कंपनीज के थ्रू कि यहाँ पे डिफॉल्ट कर देते हैं, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, फिर जो रिकवरी की होती रहती है वो बाद में प्रोसेस लंबी चलती रहती है, क्योंकि इतनी ईजिली यहाँ पे कोई भी कार्रवाई करी नहीं जाती है, जिसकी वजह से आप देखोगे जो कंपनी डिफॉल्ट करती है वो अपनी नई कंपनी लॉन्च कर देती है जहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा लिया जाता है, और जिस कंपनी का गवर्न किया है वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।
तो ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देख पा रहे होगे यस बैंक का और ज़्यादा वर्स्ट होसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिकवरी की जो न्यूज़ निकल के आ रही है कभी इतना अमाउंट कभी इतना अमाउंट, लेकिन रिकवरी जस्ट यहाँ पे दिखती है हुई अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से जो इनके NPS है वो कम होने की बजाय इस न्यूज़ से पर्टिकुलरली और बढ़ जाएंगे। तो यस बैंक में मैं आपको अगर डायरेक्टली बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आपको इजीली इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इतना स्लो मूवमेंट आपको ITC जैसे शेयर में भी देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको कोई मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा से सजेस्ट किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हो तो ईजिली आप अभी भी इस पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से 4 से 5 साल के बाद के टारगेट की तो ईजिली 300 से 350 पे ये ट्रेड करता हुआ ईजिली दिख जाएगा। लेकिन जिन भी इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ईजिली आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना कोई गेन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, बाकी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें IRFC में भी, जो कि फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, सारा सिनेरियो आपको बहुत अच्छा दिखता है, और इसमें अगर आप देखोगे चीज़ें भी कुछ ऐसी होती जा रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, फंड यहाँ पे रेजिंग करी जा रही है, Q4 के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस में एंट्री हो रही है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, मूवमेंट आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे शेयर का जो प्राइस है अभी वो काफी हद तक कम है, तो उसको अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो मैन्युपुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो अदर शेयर हैं जो हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो ये एक यहाँ पे चीज़ नज़र आती है IRFC के शेयर प्राइस में, डेस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव फैक्टर, इसमें आपको बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इस शेयर के बारे में तो मैं ईजिली आपको यही रिकमेंड कर सकता हूँ, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है जो कि आपको मल्टीवैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने छोटे होते हैं वो आपके पेशेंस लेवल को ज्यादा टेस्ट करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न स्टार्टिंग से ही देने स्टार्ट हो जाए, हैप्पीएस्ट माइंड एक अच्छी कॉल हो सकती है, इंफोसिस लिमिटेड अच्छी कॉल हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छी कॉल हो सकती है, और भी यहां पर अगर मैं बात करूं मदर्स एंड सोमी अच्छी कॉल हो सकती है। ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहां से आपको पॉजिटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं हो, और इन जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो रिकमेंडेशन आती है उनमें धीरे धीरे करके थोड़ा सा एलोकेशन भी इंक्रीज कर सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी आप अपनी एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग जरूर करें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन को चेंज ना करें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।